अब एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती है कि प्लीज़ वीडियो को हमेशा लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। और जिन्होंने भी वीडियो को पहले ही लाइक कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ मुड़ते हैं। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसके पिछले दो पार्ट्स देख लिए हैं, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस फिल्म की शुरुआत में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती है जिनका नाम डियाना और कैटी होता है, जिन्हें कॉलेज पहुंचने में देरी हो रही थी इस कारण वो जल्दी से अपने क्लास की तरफ जा रही होती है। और अब क्लास के वक्त डियाना बार बार अपने घड़ी की तरफ देख रही थी क्योंकि उसे किसी से मिलने के लिए जाना था। जिसके बाद हम उसे एक लड़के के साथ देखते हैं जो कि डियाना का दोस्त होता है और उसका नाम ग्रेग था। अब जब दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उसी कॉलेज के हिस्ट्री प्रोफेसर आते हैं जो डियाना को म्यूजियम में मिलने के लिए कहते हैं, जो ग्रेग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो डियाना को म्यूजियम में जाने से मना करता है और सवाल करता है कि उन्होंने तुम्हें म्यूजियम में अकेले मिलने के लिए क्यों बुलाया है। जिस पर डियाना कहती कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने ही उनसे इतिहास से जुड़ी चीजों के बारे में मुझे बारीकी से सब कुछ सिखाने के लिए कहा था, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया हुआ है। और फिर इतना कहकर डियाना म्यूजियम की तरफ जाने लगती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर डियाना को कोई भी नहीं दिखता और म्यूजियम पूरी तरह से खाली होता है। इसलिए अब वो प्रोफेसर को जोर जोर से आवाज देते हुए पूरे म्यूजियम में इधर उधर ढूंढने लगती है, पर प्रोफेसर का फिर भी कुछ पता नहीं चलता। और जब वो प्रोफेसर को ढूंढ रही होती है कि तभी उसकी नजर कोने में पड़े हुए एक बड़े से ब्रीफकेस पर पड़ती है, इसलिए वो उसके पास जाती है जहाँ डियाना को ब्रीफ केस पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसको ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि उसके ऊपर ट्रेजर ऑफ पर्शिया यानी कि पर्शिया का पुराना खजाना लिखा हुआ है। और उस ब्रीफ केस के अंदर उसे एक बॉक्स मिलता है। अब डियाना उस बॉक्स को खोलने में अपना जी जान लगा देती है लेकिन वो नहीं खुलता, और तभी देखते ही देखते अचानक से उसे नींद आने लगती है, इसलिए अब वो थक आकर वहीं सो जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो फिर से उस बॉक्स को उठाकर देखने लगती है, और तभी उसकी नजर बॉक्स के ऊपर एक पिन पर पड़ती है। और अब डियाना जब उस पिन को दबाती है तो ऐसा करने से अचानक से ही वो बॉक्स खुल जाता है, और अब बॉक्स के खुलते ही डियाना को उसके अंदर एक लाल रंग का पत्थर दिखाई देता है, जो कि वही लाल पत्थर होता है जिसके अंदर जीन कैद रहता है। अब डियाना उस पत्थर को बिना सोचे समझे उठा लेती है और उसे साफ करने के लिए वो उसे एक कपड़े से रगड़ती है, जिसके बाद उसे उस पत्थर के अंदर एक बेहद खौफनाक जीन दिखाई देता है जिससे वो डर जाती है। पर तभी वहाँ मौके पर प्रोफेसर आ जाते हैं, और अब प्रोफेसर उससे कहते हैं कि डरो मत क्योंकि डरते तो वो लोग हैं जिससे कोई गलती हुई हो, तुम तो बताओ तुमने कोई गलती भी नहीं की है। जिस पर फिर वो प्रोफेसर को दिखाते हुए बताते कि इसके अंदर कुछ अजीब और डरावनी चीज मौजूद है। और अब प्रोफेसर जब उस बॉक्स को खोलते हैं तो उन्हें भी वो लाल पत्थर दिखाई देता है। वो अब उसे गौर से देखने लगते हैं और कहते कि तुम परेशान मत हो, हम जल्दी से इसके राज का पता लगा लेंगे कि आखिर ये चीज क्या है। लेकिन साथ ही साथ प्रोफेसर बहुत हैरान भी होते हैं क्योंकि वो इस बॉक्स को काफी समय से खोलने की कोशिश कर रहे थे। वो अब डियाना से पूछते हैं कि आखिर तुमने इस बॉक्स को कैसे खोल लिया, जिस पर डियाना उन्हें बताती कि मैंने तो बस एक पिन को दबाया था। जो जानने पर प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुमने मेरा काम आसान कर दिया, इसीलिए अब चलो इसी खुशी में हम दोनों डिनर करने चलते हैं। पर डियाना उनके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि रात काफी हो गई थी, इसलिए उसे घर पहुंचना था। पर डियाना के इस तरह मना करने से प्रोफेसर काफी उदास हो जाते हैं, जिसके बाद हम प्रोफेसर को वहीं म्यूजियम में अकेले देखते हैं। और तभी उस पत्थर का जिन अचानक से उनके सामने आ जाता है, और अब वो जिन प्रकट होते ही प्रोफेसर से डियाना के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गई जिसने मुझे आजाद किया। पर प्रोफेसर उस जिन को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम वही जिन हो जो मैं समझ रहा हूँ तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ गई है। इस पर फिर जिन कहता है कि तुम वो सब छोड़ो और अपनी कोई एक इच्छा बताओ जिसे मैं चुटकी बजाकर पूरा कर सकता हूँ। पर चालाक प्रोफेसर उसे मना करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है।
जिस बात से जिन बहुत गुस्सा हो जाता है। पर तभी लालची प्रोफेसर उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि दो खूबसूरत लड़कियां मेरी सेवा करे। जिस पर फिर जिन कहता है कि ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हुई। और अब उसकी इतना कहते ही वहां पर दो लड़कियां दिखाई देती हैं, जो कि देखते ही देखते प्रोफेसर को बुरी तरह से नोच नोच कर मार डालती है। और अब यहाँ जिनके बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी प्रोफेसर अपनी बेवकूफ़ी के कारण मारा जाता है। दूसरी तरफ हमें डियाना को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्त ग्रेग के साथ थी। और जिस दौरान जिन प्रोफेसर को मार रहा था, उस समय डियाना को भी उसका विजन दिखाई दे रहा था, जो देख कर वो बुरी तरह घबरा जाती है। दरअसल अनजाने में डियाना ने जिनको आजाद किया था, इसलिए जब जब जिन किसी को मारेगा उसका विजन डियाना को भी दिखाई देगा, क्योंकि वो अब जिन से जुड़ चुकी थी। वहीं इधर जिन प्रोफेसर के चेहरे को नोच कर अपने चेहरे पर किसी मास्क की तरह पहन लेता है। और अब हम देखते हैं कि अगले ही पल जिन पूरी तरह से प्रोफेसर में बदल चुका था, जिसके बाद वो प्रोफेसर की लाश को एक ताबूत में बंद करके छिपा देता है। और फिर वो अपना लाल पत्थर लेकर डियाना की खोज के लिए निकल जाता है। इधर कुछ देर बाद डियाना म्यूजियम में आती है, लेकिन फिर से उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। और अब जाते वक्त वो उस बॉक्स को अपने साथ ले जाती है, जिसके अंदर से वो लाल पत्थर निकला था। अब घर पहुंचने पर वो उस बॉक्स को ग्रेग को दिखाती है और कहती कि ये वही बॉक्स है जिसके अंदर से मुझे लाल पत्थर मिला था। जिसके बाद वो इंटरनेट की मदद से बॉक्स पर लिखी हुई भाषा का मतलब पता करने लगती है। और फिर वो ग्रेग को बताती है कि ये बॉक्स बहुत ही पुराना है, जिसे आखिरी बार 12वीं शताब्दी के दौरान पर्शिया में देखा गया था। और इसके अंदर जो लाल पत्थर मुझे मिला था, उसमें खौफनाक जिन को कैद किया गया था, जिसे मैंने गलती से आजाद कर दिया। और शायद इसीलिए मैंने उस जिन को अपने विजन में देखा था, जिसने शायद आजाद होते ही प्रोफेसर को मार डाला। लेकिन ग्रेग उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। वहीं इधर हमें जिन को दिखाया जाता है, जो कि अब डियाना के कॉलेज में पहुंच चुका था। और वहां उसे एक सेक्रेटरी मिलती है, जिससे जिन डियाना का पता पूछता है, लेकिन वो सेक्रेटरी जिन को उसका पता बताने से मना कर देती है। इसलिए अब जिन उसकी कोई एक इच्छा पूरी करने के बदले उसे डियाना का पता बताने के लिए कहता है, जिस पर वो बेवकूफ सेक्रेटरी कहती कि तुम यहाँ सब कुछ आग से जला दो। और अब उसके इतना कहते ही जिन सेक्रेटरी को आग में जलाकर मार डालता है। दरअसल यहाँ सेक्रेटरी चाहती थी कि वो इस ऑफिस को पूरी तरह जला दे, ताकि उसका काम कम हो सके, लेकिन जिन ने उसे ही मार डाला। और ये सब होने के दौरान भी डियाना को विजन आ रहे थे, इसलिए उसकी तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन जब उसे सेक्रेटरी के मौत के बारे में पता चलता है, तो वो अब पूरी तरह से समझ जाती है कि इन सब के पीछे जिनका ही हाथ है। अब अगले दिन जिन प्रोफेसर के रूप में कॉलेज में क्लास लेने के लिए पहुंचता है, जहां क्लास लेते वक्त वो सबसे डियाना के बारे में पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो हमेशा क्लास में देरी से ही पहुंचती है। और अब जब डियाना कॉलेज आती है, तो वो प्रोफेसर को वहां देखकर हैरान रह जाती है। इसलिए अब वो अपने दोस्तों यानी कि ग्रेग, कैटी और बिली को बुलाकर उनसे बताती है कि उसे शक है कि प्रोफेसर के शक्ल में शायद जिन कॉलेज में घूम रहा है, क्योंकि अगर कॉलेज सेक्रेटरी मर सकती है तो उसके हिसाब से प्रोफेसर भी मर चुके होंगे। लेकिन कैटी और बिली उसकी बात नहीं मानते और उन्हें ये सब बकवास लगता है, इसलिए वहां से जाने लगते हैं। पर ग्रेग उन्हें रोक कर समझाता है कि शायद डियाना सच कह रही हो, क्योंकि कोई ऐसी बातें यूं ही नहीं कर सकता जो कि वो कल से कर रही है। इसलिए अब कैटी डियाना का साथ देने के लिए मान जाती है, हालांकि बिली को अब भी डियाना की बातें बकवास लग रही थी, इसलिए वो वहां से उसका मजाक उड़ाकर चला जाता है। अब उसके बाद वो तीनों हमें एक लाइब्रेरी में दिखाए जाते हैं, जहां वो जिनके बारे में और जानकारी ले रहे थे। लेकिन तभी प्रोफेसर यानी कि जिन भी उनको ढूंढने वहां आता है, इसलिए अब उसे वहां आता देख डियाना और कैटी वहां से बचकर निकल जाते हैं। हालांकि ग्रेग वहीं रुककर जिन से गुस्से में पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। जिस पर फिर जिन उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि डियाना मुझे अपनी तीन इच्छाएं बताए, जिन्हें मैं पूरा करके इस दुनिया पर राज कर सकूं। और फिर जिन उसे अपने चेहरे की असली झलक दिखाता है, जो देख कर ग्रेग बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है, इसलिए तुरंत वहां से भागकर सीधा डियाना के पास पहुंचता है, जहां वो उससे बताता है कि वो सच में प्रोफेसर नहीं बल्कि जिन है। इसलिए अब जिन से बचने के लिए ग्रेग और डियाना दोनों चर्च में चले जाते हैं, पर यहाँ पर जिन पहले से ही मौजूद था, जिसे देखते ही वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चर्च के सारे दरवाजों को बंद कर देता है, और फिर वो डियाना से उसकी इच्छाएं बताने के लिए कहता है। लेकिन डियाना जिन को कुछ भी बताने से इनकार करती है।
रीज पर फिर जीन कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा सोचने का समय देता हूँ। और तब तक जीन वहाँ एक एनी नाम के एक लड़की को लेकर आता है और उसे उसकी कोई एक इच्छा पूछता है जो कि अपना वजन कम करना चाहती थी। लेकिन जीन से ये इच्छा बताते ही उसके पेट के अंदर से सारा मांस उसके मुंह से बाहर आने लगता है और अब वो बुरी तरह दर्द में तड़पने लगती है। जीस की इस हालत पर जिन डियाना से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इसका दर्द कम कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे अपनी इस इच्छा को मांगना पड़ेगा। और अब एनी की ये हालत देखकर डियाना जिन से ये कहने के लिए मजबूर हो जाती है। जीस के बाद जिन उसकी इच्छा पूरी करने के लिए एनी की जान ले लेता है। पर अब उसके मरते ही डियाना और ग्रेग को जिन पर काफी गुस्सा आता है। हालांकि अब जिन हंसते हुए डियाना से उसकी दूसरी इच्छा पूछता है, जिस पर डियाना कहती है कि मैं चाहती हूँ कि फरिश्ता माइकल जमीन पर उतर आए और जिन से लड़ने में उसकी मदद करे। और अब जिन को ना चाहते हुए भी उसकी ये इच्छा पूरी करनी पड़ती है। और तभी हम देखते हैं कि माइकल की तस्वीर से डियाना के ऊपर एक रोशनी पड़ने लगती है। और अब जब ग्रेग ये देखता है तो वो उसको हटाकर खुद उस रोशनी के सामने आ जाता है, जिसके बाद अब उसमें माइकल की रूह समाने लगती है और फिर उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ी तलवार भी आ जाती है, जिसके बाद माइकल और जिन के बीच एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस दौरान माइकल जिन को बेहोश कर देता है। अब इसके बाद माइकल डियाना को लेकर वहां से निकल जाता है और अब वो दोनों कॉलेज के ऑडिटोरियम में आ जाते हैं। लेकिन जिन उन्हें देख रहा होता है और वहीं डियाना माइकल से सवाल करती है कि क्या ग्रेग वापस आ जाएगा, तो वो इस पर हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि शैतान को हराने के बाद वो जरूर वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ जिन डियाना के दोस्त बिली के पास जाता है, जहाँ वो बिली से डियाना का पता पूछता है, तो बिली कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। और फिर जिन उससे भी उसकी कोई एक इच्छा पूछता है, जिस पर बिली उससे गुस्से में कहता है कि वो उसे छोड़ दे। और अब जिन उसे छोड़ने के साथ साथ सामने की दीवार पर फेंक देता है, जहाँ एक नोकीली चीज उसके पीठ में घुस जाती है और अब उसकी हालत काफी बुरी हो जाती है। इसलिए बिली जिन से विनती करता है कि वो उसे मारकर इस दर्द को खत्म कर दे, जिस पर फिर जिन उनसे कहता है कि इसमें तुम्हारी मदद सिर्फ डियाना ही कर सकती है। और क्योंकि ये सब डियाना भी अपने विजन में देख रही होती है तो उसे बिली पर काफी तरस आता है, पर तभी बिली काफी तड़पने के बाद मारा जाता है। और क्योंकि जिन जानता था कि डियाना ये सब देख सकती थी, इसलिए अब वो उसकी दोस्त कैटी को मारने की बात करता है। वहीं इधर डियाना को रोता देख माइकल उसे सवाल करता है कि क्या तुम दुनिया को बचाने के अपनी जान दे सकती हो, जिसके जवाब में डियाना हाँ कहती है। इसलिए माइकल उसे अपनी तलवार देता है, लेकिन जैसे ही डियाना उस तलवार को पकड़ती है उसमें आग लग जाती है और उससे डियाना का हाथ भी जल जाता है। जो देख माइकल उस तलवार को डियाना से वापस लेते हुए कहता है कि अभी शायद इसका सही वक्त नहीं आया है। और फिर वो डियाना के हाथों के जख्म को भी ठीक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जिन कैटी के पास पहुंच चुका होता है, जिससे भागते हुए कैटी एक जगह छिपकर डियाना को कॉल लगाकर जल्दी से वहां पहुंचने के लिए कहती है, जिसके जवाब में डियाना उसे कहती कि हम जल्दी वहां पहुंच रहे हैं। और तभी कैटी के मुंह से निकलता है कि वो चाहती कि वो ऐसी जगह छिप जाए जहां जिन उसे ना ढूंढ पाए। और अब उसकी इस इच्छा को सुनते ही जिन कहता है कि मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरी करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि कैटी का सिर बहुत ही बुरी तरह से चूहों के पिंजरे के अंदर जाने लगता है और चूहे उसके चेहरे को बुरी तरह से नोच डालते हैं, जहां डियाना भी आकर उसकी ये हालत देखती है। लेकिन तब तक कैटी की जान निकल चुकी होती है। अब इस पर जिन डियाना को उसकी मौत का जिम्मेदार बताता है, पर तभी माइकल जिन को अचानक से घायल कर देता है। हालांकि जिन फिर से ठीक होकर वापस से माइकल से लड़ने लगता है। इस पर अब माइकल अपनी तलवार से उसके एक हाथ को काट कर डियाना के साथ वहां से भाग जाता है। पर वहीं हम देखते हैं कि जिन का हाथ फिर से ठीक हो गया है और वो उन दोनों का पीछा करता है, जिसके बाद ये लोग बचते बचाते छत पर पहुंच जाते हैं, जहां जिन भी इनके पीछे पहुंच जाता है। और अब जिन फिर से डियाना से उसकी तीसरी इच्छा के बारे में पूछता है, जिस पर डियाना उसे कहती कि अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो तुम अपने मकसद में कैसे कामयाब होगे। और अब इतना कहते ही डियाना छत से छलांग लगा देती है, पर जिन उसे वहां से गिरने से बचा लेता है। और तभी माइकल डियाना की तरफ तलवार उछालते हुए कहता है कि यही समय है, जिससे डियाना माइकल का इशारा समझते हुए उस तलवार को पकड़कर जिन के सीने के आर पार कर देती है। और इससे अब जिन फिर से उसी लाल पत्थर में वापस कैद हो जाता है। लेकिन इन सब में डियाना वहां से नीचे गिर पड़ती है, जिसे माइकल अपनी शक्तियों से ठीक कर देता है।
और अब क्योंकि जिन वापस कैद हो चुका था इसलिए माइकल की रूह स्वर्ग वापस लौट जाती है, जिसके साथ ही हम ग्रेग को भी सही सलामत देखते हैं, जिसे डियाना ठीक देखकर काफी खुश होती है। और फिर इसी के साथ ये पार्ट 3 भी समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला और आखिरी पार्ट देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, और अगर आपको नहीं मिले तो इसे मैं जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।